मंच पर उपस्थित जिले के समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधि एवं नेतागण और विशेषकर यहाँ पर दूर दराज से आए पहाड़ी हिंदुत्व के जनजाति समाज से पहाड़ी कोरवा समाज के लोग, कंवर समाज के लोग, बिहार समाज के लोग, अहिर समाज के लोग एवं समस्त हिंदू जनजाति समाज के लोग जिन्होंने मेरे परिवार एवं मेरे दादाजी स्वर्गीय कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया था और मुझे भी विश्वास है कि वो साथ मुझे भी आपका हर समय मिलता रहे, तो उन सभी सम्मानित हमारे परिवार से पीढ़ी दर पीढ़ी का रिश्ता निभाने वाले समस्त जनजाति भाई बंधुओं को एवं माताओं बहनों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आज हम सब यहाँ हिंदू भाई बहुत से विषयों को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और मेरा ये मानना है कि इसमें से सबसे महत्वपूर्ण विषय धर्मांतरण का विषय है। क्षेत्र में धर्मांतरण विश्व में बढ़ता जा रहा है। एक समय था जब ये धर्मांतरण चरम सीमा पर था, तब आप लोगों के साथ मेरे दादाजी स्वर्गीय कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी ने धर्मांतरण को रोका था, पर कई सालों बाद आज फिर से धर्मांतरण चरम सीमा पर है और उसे हम सबको समस्त हिंदू जनजाति भाई बहनों को एकत्रित होकर एकता के साथ रोकना पड़ेगा। एक बात मेरे दादाजी कहकर गए थे और आज मैं आप सबके सामने कह रहा हूं कि जब जब हिंदू बटा है तब तब हिंदू कटा है। इस बात को हमको ध्यान में रखकर समस्त हिंदू भाइयों को एक होकर धर्मांतरण को रोकना है और अगर हम सब एक हो गए तो हमें कोई नहीं रोक सकता धर्मांतरण को रोकने से। मेरे दादाजी एक और बात कहकर गए हैं कि लाए हैं हम तूफान से कश्ती निकाल के, इस क्षेत्र को रखना मेरे दोस्तों संभाल के। हम आप सभी के सहयोग से हम सबको इस क्षेत्र को संभालना होगा, धर्मांतरण को रोकना होगा, हिंदुत्व की रक्षा करनी होगी, गौ हत्या को बंद कराना होगा। ऐसा हम करेंगे तब मेरे दादाजी का सपना हम सभी पूरा कर सकेंगे, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। और ज्यादा नहीं मैं कहते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी का पोता मैं सौर्य प्रताप सिंह जुदेव आप सभी को वचन देता हूँ कि जब तक जीवित हूँ तब तक हिंदुत्व की रक्षा के लिए और हमारे सभी जनजाति भाई बंधु के लिए सदैव खड़ा हुआ हूँ। ज्यादा नहीं बोलते हुए अंत में मैं बस इतना कहूंगा कि जाति हमारी कोई भी हो, धर्म हमारा हिंदू है। जाति हमारी कोई भी हो, धर्म हमारा हिंदू है। हम राष्ट्रभक्ति के सिंधु हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं।